मैं आशा, न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब चैनल से। आज हम अजमेर की लाडली संगीतकार पिंकी गहलोत से बात करते हैं कि उन्होंने अपने संगीत की कला राजस्थान में ही नहीं देश विदेश में भी बिखेरी है, और अपने समाज का ही नहीं अपने परिवार का और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अजमेर की गायिकार पिंकी गहलोत, जो कि पिछले सन 2015 से अब तक राजस्थान में ही नहीं देश विदेश में भी अपने संगीत की धूम मचा चुकी है, फिर भी अपने परिवार के लिए किसी पर आशीष नहीं। एक सबसे बड़ा माली समाज के अंदर अपने परिवार का ही नहीं समाज का भी नाम रोशन किया है। जैसे कि देखें तो देश विदेश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई में तक अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी है। कई बार अवार्ड भी मिल चुके हैं। अपने समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए और भी अच्छे कार्यक्रम और भी प्रस्तुत करने, आगे भी वापस अपनी संगीत की धूम मचाने के लिए मध्य प्रदेश शीघ्र ही प्रस्थान कर चुकी है। पिंकी गहलोत ने बताया कि वह बलवंता अपने पिहर में कक्षा 10वीं पास करने के बाद ही संगीत की शौकीन, जो कि आज अपने आप पर निर्भर हूँ। मेरे गुरु दिलीप गवैया जोधपुर निवासी, उन्हीं के कर कमलों पर चल रही हूँ। अधिकतर प्रस्तुतियाँ माता रानी के भजन, गणेश जी के, बालाजी के श्याम कीर्तन, खाटू श्याम जी के भजन, अधिक धार्मिक कार्य में ही प्रस्तुति दी है। राजस्थान के डिडवाना के संगीतकार जेठाराम, राजस्थान के भजन सम्राट प्रकाश माली बालोत्रा, रमेश माली निवासी पाली, किशोर पालीवाल व अजमेर के विमल गर्ग और जॉन अजमेरी एव तमाम राजस्थान के संगीतकार गायक कलाकार, इन सभी का भरपूर सहयोग रहा।
मेहंदी भीगो। बोली बात सुनावी खरी खरी, आम की डाली कोयल बोली बात सुनावी खरी खरी। लिख मिदास जिन भजले प्राणी, मैं समय जाऊं घड़ी घड़ी। लिख मिदास जिन भजले प्राणी, मैं समय जाऊं घड़ी घड़ी। आम की डाली कोयल बोले, आम की डाली कोयल बोले। कोयल बोले बात सुनावे खरी खरी। लिख मिदास जिन भजले प्राणी, मैं समय जाऊं घड़ी घड़ी। आम की डाली कोयल बोले, आम की डाली कोयल बोले। भजन गायिका पिंकी गहलोत, आज मैं राजस्थान के रहने वाली हूँ। इसमें आपने बताया कि कुछ माली समाज के कुछ और भी आपके साथ में हैं जिनका आशीष आपको मिल चुका है, और आप उनके भी कुछ बताना चाहते हैं, उनके बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहला नाम रहेगा आदरणीय प्रकाश जी माली का, जिनको सुन के और उन्होंने ही मेरी आवाज़ को सुन के और मेरे बिल्कुल मार्गदर्शक जो कहते हैं वो बने थे, उन्होंने ही मार्ग दिया था कि आप बिल्कुल गाइए, आगे बढ़िए, हमारा सपोर्ट रहेगा, बाकी आपको खुद से मेहनत करनी होगी, आगे आइए, कुछ नाम मिलेगा आपको और आपकी पहचान बनेगी पूरे समाज में और पूरे क्षेत्र में जहाँ पर भी जाएंगे। और इनके साथ साथ में इटली में अपना कामकाज करते हैं, जो कि डीडवाना के रहने वाले हैं, जेठाराम जी सैनी पवार है वो, तो वो भी उनका भी सहयोग मिला, काफ़ी समाज में उन्होंने जुड़वाया है मुझसे और समाज से मुझे भी जुड़वाया है, और हर जगह मतलब कहीं पे भी हो ऐसा धार्मिक कार्यक्रम हो तो मुझे उनको मेरा नाम भी देते हैं कि अपने समाज के है और उन्हें बुलाइए, आप आमंत्रित कीजिए, निमंत्रित कीजिए, तो काफ़ी उनका भी सहयोग रहा है। इसमें पाली की धरती से आदरणीय रमेश जी माली, जो कि मुझे पहली बार उन्होंने भी मंच दिया था और उस मंच के माध्यम से मुझे काफ़ी जुड़ाव हुआ लोगों से, काफ़ी लोगों ने मुझे फिर आगे से आगे सपोर्ट किया। सुमेरपुर से किशोर जी पालीवाल हैं, तो उन्होंने भी मुझे मंच दिया कि आगे बढ़ाने के लिए, कि ताकि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी पहचान मिले, और मुझे काफ़ी लोगों से जुड़ने का मौका मिला। अजमेर के क्षेत्र से बताना चाहूँगी कि आदरणीय विमल कुमार जी गर्ग भैया, उन्होंने ही मुझे शुरुआत में श्याम कीर्तन से जोड़ा था और सर्वप्रथम उन्होंने ही मंच दिया था मुझे, और काफ़ी मंचों से उन्होंने जोड़ा अजमेर में। छोटा भाई जोन अजमेरी, जो
अजमेर में मुझे हर कार्यक्रम में, हर धार्मिक कार्यक्रम, कहीं पे भी जागरण होता या कीर्तन होता, मुझे हर मंच पे मुझे प्रस्तुति देने का मौका दिया। तो इन सभी के माध्यम से, इन सभी के सहयोग से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी जगह मैं अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुकी हूँ। पिंकी जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप ये बाहर जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, कई बार भाषाओं का भी कुछ चेंजिंग रहता है जी, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए तो मैं बताना चाहूँगी कि अपने राजस्थान के काफ़ी प्रवासी हैं जो बाहर वो अपना रहन सहन गुजर बसेरा कर रहे हैं कामकाज के साथ में, और हम सोचते हैं कि बाहर है तो वहाँ की भाषा अलग होगी, वहाँ का पता नहीं कैसे लोग होंगे, उनको हमारे भजन समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी और हिंदी श्याम भजनों का, उधर मारवाड़ी फील्ड में श्याम भजनों का इनका चलन नहीं रहता है, तो वहाँ वो कैसे सुनेंगे समझेंगे। पर ऐसी कोई बात नहीं रहती है, क्योंकि राजस्थान के प्रवासी काफ़ी हद तक मारवाड़ी बसे हुए हैं, वहाँ पे पाली लो, नागौर लो, जोधपुर साइड से लो, हर जगह से, राजस्थान के कोने कोने से प्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं, और जब हम जाते हैं और वही लोग हमें बुलाते हैं, वही लोग जागरण और ये कीर्तन करवाते हैं, और वहाँ हमें फिर कोई दिक्कत नहीं आती है उनके सामने जब गाने संगीत का कला रहता में है। अब तक आपका कहाँ कहाँ पे अवार्ड मिल चुके हैं आपको, कितने? तो हर मंच पे हमें किसी ना किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जब स्वागत वेला होती है किसी उच्च तो अधिकारी द्वारा कोई सम्मानित हुआ आज तक? उच्च अधिकारी के द्वारा तो अभी नहीं हुआ है, पर काफ़ी मालिश समाज से हुआ, हर क्षेत्र में जहाँ पे भी जाते हैं तो किसी ना किसी मूवमेंट हुआ, कोई भी सम्मान हुआ, उनसे सम्मानित किया जाता ही संगीतकार को अवार्ड से। देखते हुए क्या टीवी सीरियल क्या टीवी फिल्म वगैरह में भी आपका कुछ है जाने अभी तक का, तो कुछ नहीं किया है, मानस बनाया आपने अभी तक तो कोई मानस टीवी सीरियल वगैरह में बना किसी नहीं में? है। ऑफर तो आए थे एक आध बार, पर मैंने ही ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी मैं इस संगीत के क्षेत्र में अभी भी मुझे इतना कुछ गाने को नहीं आता है। सच कहूँ तो मैं तो बस सुन के गाती हूँ, इतना मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, बस गा रही हूँ, सुन के ही सीख रही हूँ, सुन के आपकी ही गा संगीत रही कला हूँ। को सुनकर के अगर कोई टीवी सीरियल वाले आकर के आपके पास में ऑफर लेके आते हैं तो क्या आप उसमें जाना पसंद करेंगे? उसमें गाने का कुछ रहेगा तो मैं बिल्कुल जरूर थोड़ा प्रयास करूँगी इसके लिए।